जहां मेरी फेवरेट बातें होंगी और मुझे मौका मिलेगा कि मैं आपके लिए लेकर आऊं टेक की मजे मजे की बातें इन दिस शो जिसका नाम है साउंड टेक। साउंड टेक विद आरजे हिशाम। इससे पहले कि मैं आपसे फिर बात शुरू करूं, आज शुरुआत द शो मैं आपको तीन लोगों के कोट सुनाऊंगा। उन तीन में से पहला कोट है को फाउंडर ऑफ एप्पल स्टीव जॉब्स का। एक मौके पर उन्होंने कहा, इट्स नॉट अ फेथ इन टेक्नोलॉजी, इट्स फेथ इन पीपल। ये मैंने क्यों बताया है, ये क्यों शेयर किया आपके साथ, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टू द एप्स। टॉप एप्स ऑफ दिस वीक। टॉप एप्स ऑफ दिस वीक। आपका कोई भी डाटा, तस्वीर या ऑनलाइन कही गई बात एक दफा इंटरनेट पर चली जाए तो जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आता, तो मान लीजिए कि सेंड पर क्लिक करने के बाद वो बात भी वापस नहीं आएगी। पर इंटरनेट का निजाम फिजिकल दुनिया से कुछ इस तरह से अलग है कि ये तीर सीधा नहीं बल्कि हर डायरेक्शन में उड़ता है। तो ऐसी सूरत में हमारे लिए जरूरी है कि अपने डाटा और डिवाइसेस की सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखें। और उन ख्याल रखने वाले टूल्स में से एक बेहतरीन टूल है इस ऐप की सूरत में, जिसका नाम है अवास्ट सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, AVAST सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। इस ऐप की मदद से आपको एंटीवायरस सिक्योरिटी भी मिलेगी, इंटरनेट पर ब्राउजिंग करते हुए प्रोटेक्शन भी, और साथ साथ ये क्लाउड मैनेजमेंट कंसोल की भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दिस ऐप इज एब्सोल्युटली फ्री और ना सिर्फ एंड्रॉयड और ओएस पे बल्कि दिस ऐप इज ट्रूली क्रॉस प्लेटफॉर्म, यानी कि विंडोज, मैक, उन सब पर भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। So do try it out, आपका ही फायदा होगा। आगे बढ़े चलो भाई। आज मेरा फोकस रहेगा कि आपके डिजिटल सामान की हिफाजत करने में मैं आपका पूरा साथ दूं और जितनी मदद कर सकता हूं तो मैं करूंगा। अब हमें देखना है कि जो एप्स हम डेली यूज करते हैं क्या वो भी हमारे सामान की उसी तरह हिफाजत कर रही हैं। और डेली यूजेस की ऐप में व्हाट्सएप का नंबर तो मेरा ख्याल सब में सबसे ऊपर ही आएगा, लेकिन उनकी रीसेंट कंट्रोवर्सी के बाद कुछ मिसट्रस्ट सा डेवलप हो गया। लेकिन फिर सॉल्यूशन क्या? सॉल्यूशन के मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लेकिन उनमें मेरा फेवरेट ऑप्शन इज डेफिनेटली टेलीग्राम, TELEGRAM, टेलीग्राम मैसेंजर। व्हाट्सएप ही की तरह भाई ऑपरेट करता है, लेकिन काफी चीजों में व्हाट्सएप को काफी पीछे छोड़ चुका है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो आपकी प्राइवेसी को आगे रखता है। और उसके अलावा काफी ज्यादा फीचर्स ऐसे हैं उसमें जिसकी वजह से 500 मिलियन से ज्यादा लोग उसे यूज करते हैं। भाई कोई तो बात होगी ना। उन सारे फीचर्स में वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर्स जो मुझे लगा वो है कि आप अपनी चैट्स में अप टू 2GB की फाइल तक शेयर कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप में जिधर लिमिट है सिर्फ 16MB की। उसके मुकाबले में ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव भी है और माइंड ब्लोइंग भी। और अगर किसी चैट में आपने मल्टीपल ऑडियो फाइल शेयर की हैं या गाने वाने शेयर किए हैं तो उस चैट को खोलकर यू कैन प्ले ऑल दोस ट्रैक बैक टू बैक लाइक अ म्यूजिक प्लेयर। भाई जब से इंस्टॉल की है इट रियली हैज बिकम वन ऑफ माय मोस्ट डेली यूज्ड एप्स। आप भी डाउनलोड कीजिए और मुझे बताइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि क्या अच्छा लगा और क्या बेहतर लगा और क्या हो सकता है कि शायद और बेहतर हो जाए। बताने के लिए यू कैन DM मी ऑन माय इंस्टा अकाउंट @rjhisham.doha, that is rjhisham.doha। अब आपके साथ शेयर करता हूं मैं कुछ टेक्नोलॉजी के टोटके इन हैक्स एंड ट्रिक्स। हैक्स एंड ट्रिक्स। जनाब इससे पहले कि मैं आपके साथ पहला हैक या ट्रिक या टिप शेयर करूं, एक और कोट सुन लीजिए। एक हिस्टोरियन क्रिस्टियन लैंग ने कहा, टेक्नोलॉजी इज अ यूजफुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर। यानी कि आपको कंट्रोल करना है अपने डिवाइसेस को, अपने मामलात को, इससे पहले कि वो आपको कंट्रोल करें। नहीं समझे? आजकल की दुनिया में जब हम घिरे हुए हैं ऑलमोस्ट हर तरफ से किसी ना किसी तरह की टेक्नोलॉजी या डिवाइस के साथ, कुछ ना कुछ स्मार्टफोन या लैपटॉप या कोई टैबलेट हमारे आसपास रहता ही है, तो उस दौर में ये भी बहुत जरूरी है कि हम अपने पासवर्ड्स को सेफ रखें। और वो पासवर्ड्स
जिन अकाउंट्स पर हैं उनको सेफ रखने का बेहतरीन तरीका ये है कि टाइम टू टाइम एडवाइजेबली हर 3 महीने बाद अपना पासवर्ड चेंज करते रहें। अब पासवर्ड चेंज करने का भाई हम लोग सोचते हैं कि इतनों को याद रखे, तो उसके लिए है आपके पास पासवर्ड मैनेजर्स, जिसमें नंबर 1 पे मेरा ख्याल अपने गूगल भाई साहब ही आते हैं। आप इंस्टॉल कीजिए गूगल पासवर्ड मैनेजर और फिर आपके सारे पासवर्ड्स उसमें सेफ रहेंगे। और उसके साथ साथ गूगल पासवर्ड्स आपको ये भी बताएंगे कि भाई साहब आपका पासवर्ड अभी थोड़ा सा कमजोर हो गया, या इसको चेंज करने की जरूरत है, थोड़ा सा मजबूत करने की जरूरत है, इसको आप पासवर्ड के जिम में भेजें और इसके मजबूत करें। एक और आपके साथ मैं टिप शेयर करता चलूं, जो एडवर्ड स्नोडन, जो कि एक काफी मशहूर इंटरनेट सिक्योरिटी के कंसल्टेंट भी रहे हैं, उन्होंने कहा कि पासवर्ड्स की जगह आप सोचिए ये है पास फ्रेजेस या पास सेंटेंसेस, यानी कि लंबा पासवर्ड जितना होगा उतना मुश्किल होगा उसे हैक करना। फर्ज कीजिए आपने रख लिया आई लव चिकन्स और आगे अपना फोन नंबर डाल दिया, तो ये लंबा हो गया और सिंपल भी रहा और आपको याद भी रहेगा, क्योंकि भाई चिकन किसको नहीं पसंद। और फाइनली टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े रहने के बाद हमें चाहिए होती है ब्रेक। तो दूसरा टोटका मेरा आपके लिए है उस ब्रेक को लेकर, यानी कि कभी आपने काम करते 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 सोचा कि यार ब्रेक लेने का टाइम आ गया है, लेकिन क्या मेरे पास टाइम है ब्रेक लेने का? क्योंकि आदतें कभी कभार ऐसी होती हैं कि रिलैक्स करते करते हम कुछ ज्यादा ही रिलैक्स कर जाते हैं। वेल, आपके टाइम को संभालते हुए आपको रिलैक्स भी करेगी ये वेबसाइट और इसके साथ साथ रिफ्रेश भी करेगी। वेबसाइट का नाम है दिस इज माय वेबसाइट नाउ, यानी कि TheisMyWebsiteNow.com। इस वेबसाइट पर आपको रैंडम एप्स और छोटी छोटी 10 मिनट की गेम्स मिलेंगी जो आपको रिफ्रेश भी करेंगी, आपको मजा भी देंगी और इसके साथ साथ आपको एनर्जाइज भी कर देंगी। पर अगर आपको फिर भी लगता है कि आपने कंप्यूटर की स्क्रीन से दूर होना है, तो आई सजेस्ट किसी फ्लैट सरफेस पर थोड़ी देर के लिए निगाहें जमा लें, जहां कुछ हलचल ना हो रही हो, ना टीवी हो, ना कुछ और हो, ना कोई पेंटिंग हो, लाइक अ ब्लैंक सरफेस। वहां कुछ देर देख के अपनी आंखों को रिलैक्स कीजिए। और ये तो कहा भी जाता है कि इफ यू वर्किंग फॉर 1 आवर, तो हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए किसी फ्लैट सरफेस पर देखना आपकी आंखों और पोस्चर वगैरह के लिए काफी हेल्दी होता है। सो डू ट्राई दिस आउट एंड लेट मी नो कि क्या फायदा हुआ, क्या आपने वाकई में कुछ महसूस किया। मूविंग ऑन, और तीसरा टोटका है मेरे कुछ साथी म्यूजिक लवर्स के लिए। जहां आजकल इतनी एप्स हैं, आपके पास YouTube म्यूजिक आ गया, Spotify आ गया, ये सारा कुछ आ गया, जहां आपको घूमना पड़ता है सुन सुन के अगली कोई चीज डिस्कवर करने के लिए, तो उसका एक सिंपल सा हैक ये है इस वेबसाइट पर GNOOSIC, Gnoosic, ठीक है जी। आपने करना सिंपल सा इतना काम है कि इस वेबसाइट पर जाइए GNOOSIC.com और वहां पर सिर्फ लिख दीजिए कि आपको कौन कौन से आर्टिस्ट या म्यूजिक पसंद है, तो आपकी पसंद को देखते हुए ये वाली ऐप थोड़ी देर बैठेगी, वो थोड़ी देर है कुछ 2 सेकंड, और आपको बताएगी कि आपको क्या कुछ और पसंद आ सकता है। बेसिकली ये एक एल्गोरिथम यूज करते हैं जिसके बाद आपके बिहेवियर को देखते हुए, उन पैटर्न्स को देखते हुए आपको बताएंगे और रेकमेंड करेंगे कि डू चेक दीज गाइस आउट, या वो चेक कर ले, या उसको सुन लो, या उसको सुन लो। तो इस तरह आप अपनी म्यूजिकल हराइजन्स को एक्सपैंड कीजिए और रिलैक्स कीजिए। चलिए तो हो गए थोड़े से टोटके, अब चलते हैं देखते हैं कि टेक की दुनिया में नई चीजें क्या है हमारे पास इन टेक चेक। एक टाइम होता था जब सबसे बड़ी फिक्र होती थी कि भाई यार घर कैसे बनाए, और फिर घर बनाने के बाद आजकल उसके साथ एक और एडिशनल फिक्र आ गई है अटैच्ड, वो है कि भाई अब इस घर को हम स्मार्ट घर कैसे बनाए, यानी कि स्मार्ट होम्स जितने ट्रेंडिंग हैं उतने ही ज्यादा प्रोडक्ट्स और फीचर्स आ रहे हैं मार्केट में। तो इन्हीं प्रोडक्ट्स और फीचर्स में एक और एडिशन की है Amazon ने, Amazon Alexa, जो कि हर घर में ऑलमोस्ट आ ही चुकी है, विच इज योर AI, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट असिस्टेंट, कि आप इसको भाई बस बोल दोगे ये काम करना और वो फिर खुद ही ऑटोमेटिकली वो सारा कुछ शुरू हो जाता था। तो नाउ दे हैव अनाउंस्ड कि एक रोबोट भी हम लेके आ रहे हैं जो कि Alexa को सपोर्ट करेगा। तो Alexa का भाई मान लो इसे, दिस लिटिल गाय इज कॉल्ड Amazon Astro। बेसिकली एक Alexa टैबलेट है जो कि 10.1 इंचेस की टच स्क्रीन है, वो है माउंटेड एक व्हील्ड प्लेटफॉर्म पे, यानी के पहियों पे।
जो उसको एबिलिटी देता है कि वो पूरे घर में आपके घूम फिर सके आसानी के साथ। इसके साथ साथ वो आपके चेहरे, आवाजें, पैटर्न्स, रूटीन्स को याद भी करता रहता है एक अच्छे घर वाले की तरह। तो फिर इंट्रोड्यूस दिस न्यू फैमिली मेंबर इनटू योर हाउस, और इसके साथ साथ एक छोटा सा इसके पीछे कंपार्टमेंट वो भी है जिसमें आप कभी रिमोट रख के साथ वाले को भेज दें, जहां आपको उठने की जहमत ना करनी पड़े। इसके साथ साथ आपको एक और फीचर भी ये मिला है इसमें कि ये आपके घर वालों के नाम भी याद कर लेता है। यानी कि यहाँ से किसी और के कमरे में कुछ पहुंचाना है तो वो सामान रखा और एस्ट्रो भाई साहब को कहा कि ये उसके कमरे तक पहुंचा दो, तो किसी चूचा के बगैर एस्ट्रो साहब उठेंगे और चल पड़ेंगे। बात यहाँ नहीं रुकती, इसके साथ साथ एस्ट्रो भाई साहब चौकीदार का भी काम बड़ी खूबी से करते हैं, बिकॉज इट्स गॉट अ पेरिफेरल कैमरा, यानी कि एक कैमरा भी साथ अटैच्ड है जो कि एक डंडी के साथ ऊपर आता है अप टू 42 inches। तो आप अपने इस रोबोट एस्ट्रो भाई साहब को ट्रेन कर सकते हैं कि भाई जब हम बाहर हों और कोई और घर में आए तो बता देना, तो वो फिर आपको बता देंगे। एक इसके साथ मॉनिटरिंग डिवाइस भी आती है, इसके साथ साथ एक ऐप भी आती है जहां वो आपको कॉन्स्टेंटली अप टू डेट कर सकता है, रख सकता है कि क्या कुछ हो रहा है। आप इसको मेरे ख्याल ऐसे भी यूज कर सकते हैं कुकिंग करते हुए, कहीं पानी शानी उबल रहा हो या कुछ और सीन चल रहा हो तो इसको लगा दिया एस्ट्रो भाई साहब कि भाई जब कुछ उबल जाए तो मुझे बता देना, मैं साथ वाले कमरे में हूँ। तो वो आपको आराम से मैसेज कर देंगे, हाँ जी हो गया आ जाओ। ये प्रोडक्ट आएगा मार्केट में इस साल के आखिर तक, तो उस वक्त तक देखते हैं कि और कोई इसके मुकाबले में मार्केट में लेके आता है कि नहीं। वेल, वक्त ही बताएगा। फिलहाल चलते हैं अगली खबर की तरफ, इसका तो इंतजार हम कर ही लेंगे। टेकचेट में हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट है एक कंपनी लॉजिटेक की तरफ से, विच इज अ वेरी डिसेंट लुकिंग स्मॉल कॉम्पैक्ट कीबोर्ड। आप कहेंगे भाई कीबोर्ड में इतना खास क्या, कि इस कीबोर्ड की खास बात ये है, सबसे पहले इट्स वायरलेस और इसका साइज ऐसा है कि आपके डेस्क पे, आपकी वर्किंग स्पेस पे, आपके पढ़ाई की जगह पे ज्यादा क्लटर भी नहीं होगा, यानी कि ज्यादा कुछ गिचमिच भी नहीं होगी। और कहा तो यही जाता है ना कि स्मूथ काम करने के लिए आपका एनवायरमेंट साफ होना जरूरी है। सो वेल इन दैट रिगार्ड ये एक बहुत क्लीन लुकिंग डिवाइस है, लॉजिटेक MX कीज मिनी। तो आप इसको ट्राई आउट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें एक जो मजेदार तरीन फीचर मुझे लगा वो है कि यू कैन कनेक्ट इट वाया ब्लूटूथ एट अ टाइम टू 3 devices, यानी कि कंप्यूटर पे भी इसको कनेक्ट किया हुआ है, पेयर किया हुआ है अपने फोन के साथ भी और एक और किसी डिवाइस के साथ भी, इट कुड बी योर टैब, इट कुड बी अनदर मैकबुक या कुछ भी हो जाए। तो फिर एक ही कीबोर्ड से आप स्विच करेंगे, कहीं मैसेज का रिप्लाई करने के लिए वापस आ गए अपनी रिपोर्ट लिखने के लिए, वहां से स्विच किया आपने कुछ और सर्च करने के लिए किसी और डिवाइस पे, और फिर जंप करके आ गए वापस काम करने पे। और इसकी बैटरी लाइफ इतनी कमाल की है कि अगर आप इसकी बैकिंग लाइट्स ऑफ कर दें तो आप इसको पूरे 5 महीने तक यूज कर सकते हैं। ना सिर्फ ये, यू ऑल्सो गेट अ माइक इंक्लूडेड। अब माइक किस लिए? माइक इसमें इसलिए अवेलेबल है कि आप यूज कर सकते हैं वॉइस टू टेक्स्ट, यानी कि अगर लिखते लिखते थक गए लेकिन फिर भी काम बाकी है तो यू कैन डिक्टेट व्हाटएवर यू वांट टू टाइप टू दिस कीबोर्ड, और ये फिर आपके लिए खुद ही टाइप करता रहेगा। ना सिर्फ ये बल्कि आप इस माइक को वीडियो मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंसेस में भी यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक और डेडिकेटेड की है इमोजीज की। आजकल भाई इमोजीज के बगैर बात किधर समझी जाती है, जब तक वो हंसने वाली शक्ल ना हो उस वक्त तक पता नहीं लगता कि मजाक की है। सो इन दैट रिगार्ड आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आप चाह रहे हैं कि इन्वेस्ट करें एक वायरलेस कीबोर्ड में। अगेन द नेम इज लॉजिटेक MX कीज मिनी। डू ट्राई आउट एंड लेट अस नो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस कीबोर्ड के साथ। आप सुन रहे हैं साउंड टेक विद RJ हिशाम। एंड फाइनली चलते हैं और पता करते हैं कि टेक की दुनिया में हलचल किस बात पर हो रही है। इन टेक दिस वीक, इन टेक दिस वीक, बचपन हो, लड़कपन हो या हो बुढ़ापा, तारों से बातें करना किसको अच्छा नहीं लगता। हम तो अपने काम धंधे में इतना बिजी रहते हैं कि हम अक्सर ऊपर देखना भूल जाते हैं। तो इधर भी टेक्नोलॉजी ही आपकी रेस्क्यू के लिए हाजिर है। ये लो कर लो तारों से बातें विद दिस न्यू यूनिस्टेलर EV स्कोप 2 टेलीस्कोप। भाई समझो कि एक डायरेक्ट लाइन मिला देती है आपकी तारों के साथ। अब नासा की तरह हम तो नहीं किसी पहाड़ पे पूरी बिल्डिंग बना सकते, लेकिन दिस इज लिटरली द नेक्स्ट बेस्ट थिंग आउट देयर।
मेरे और आप जैसे आम आदमी के लिए इसे कहा जाता है कि यह सबसे पावरफुल स्पेस इंस्ट्रूमेंट। 3 साल पहले इस कंपनी ने लॉन्च किया था एक इनहांस्ड विजन टेलीस्कोप, जिसके बाद लगता नहीं था कि उनको कोई बीट कर पाएगा, पर इन्होंने तो खुद ही अपनी गेम इतनी उठा दी कि भाई पिछले वाले मॉडल को वो पीछे ही छोड़ दिया। ये नया मॉडल ऑप्टिकल के साथ साथ डिजिटली भी आपको दूर खलाओं में ले जाएगा। 50x जूम है इसका ऑप्टिकल लेंस के जरिए, लेकिन इसके साथ साथ 400x जूम आपको मिलेगा डिजिटली। अब और ज्यादा स्पेसिफिकेशंस बताने से अच्छा है कि मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ बिल्ट इन एप्स भी आती हैं, जो आपको डायरेक्शन बता देंगी कि भाई आज रात इस डायरेक्शन में देखो तो यहाँ मीटियर्स नजर आएंगे, या कोई और कॉन्स्टेलेशन वगैरह देखनी है तो उस तरफ देख लो। 10 घंटे की है इस टेलीस्कोप की बैटरी, और इसके साथ साथ ऑन डिवाइस आपको 64GB तक मेमोरी भी मिलेगी। अब इस ऑलमोस्ट परफेक्ट डिवाइस में सिर्फ एक चीज है जो थोड़ा सा उदास कर देती है, वो है इसका भारी भरकम प्राइस टैग, विच इज एक्सपेक्टेड कि ऐसी डिवाइस की ऐसे ही प्राइस होती है। कीमत है इसकी $4,200, बट आई थिंक इट्स वर्थ इट। तो वही पॉकेट मनी सेव करना शुरू करते हैं, क्या पता उस वक्त तक कोई फोन भी आ जाए बिल्ट इन टेलीस्कोप के साथ। किलो कर लो मार्शन से हेलो हाय। तो इसके साथ ही आज का एपिसोड अपनी एंडिंग के करीब है, मगर जाने से पहले मैं नहीं भूला भाई आज का तीसरा कोट तो सुनाता जाऊं। सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योर मैट मुलनवक का कहना है कि टेक्नोलॉजी इज बेस्ट व्हेन इट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, यानी कि टुगेदरनेस का सिलसिला जारी रखिए और मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ऑन इंस्टा यू कैन डीएम मी @rjhisham.doha। आपके सजेशंस और कमेंट्स का मैं जरूर इंतजार करूंगा। मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनी डिवाइसेस का खूब ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, स्टे लिसनिंग टू FM 107। अल्लाह हाफिज़।